ये है क्राइम सीन। स्मेल है ना बेबी। आंटी की साड़ी पहले से अच्छी थी ना। एक सबके कपड़े सेम है, सिर्फ अंकल का चेंज हो गया क्योंकि अंकल ने बड़ा ही प्लेन पहन लिया। फिर आंटी ने गुस्सा किया, त्योहार वाले दिन भी तुम ऐसे करते हो। फिर अंकल थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला पहन के अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फूल लग गए हैं। और एक बार फिर से बता दूँ, इस फूल को बोलते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज, क्योंकि अगर इसकी आप शेप देखोगे तो थोड़ा बर्ड की तरह लगता है। इतनी घास हो गई ना कि अभी किसी को बुलाया वो कल से करेगा साफ सफाई। और मम्मी नींद होगी पूरी। उतरा आपका जेट लैग, लैंड हुआ जेट आपका कि नहीं हुआ? थोड़ा सा आज रात को दवाई खाई थी, रात को मैंने नींद की गोली खाई थी, मामू से लेके आई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी तक थोड़ी देर और देर तक काफी लगी सोने में पर आई नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। और मम्मी का जो जेट लैग है उनका जेट थोड़ा लैंड हो गया। वो बोलते हैं ना अपने घर में ही आके अच्छी नींद मिलती है, तो मम्मी ने कल दवाई का सहारा लिया। नेचुरल नींद तो नहीं है बट वो ये थोड़ा टाइम लग जाता है अपने आप को, आपको वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से इंडिया के टाइम जोन में आके अपनी नींद सेटल करना। तो अब मुझे लग रहा है अब वो फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि आज भी नींद तो अच्छी आई है। बस वही है कि सुबह सुबह पता नहीं ये जो अभी सफाई करने वाला आया था, ये शायद सुबह आया था तो इसने बेल बजा दी, तो हमारी सबकी नींद खुल गई थी ऑलमोस्ट 8:30 बजे। उसके बाद मैंने तो थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके नींद एक्सटेंड करने की कोशिश करी, वरना मेरी नींद भी बहुत ज़्यादा कच्ची है। अगर हल्का सा भी शोर होता फिर वो नींद खुल जाती है। और वही कल मैं भी थका हुआ था क्योंकि कल मैं जल्दी उठा था, फिर उसका पूरी ड्राइव करी, फिर उसके बाद आके पूरी शिफ्ट करी, पर वही शिफ्ट करते करते एंड तक ना हो जाती है। तो बस हम लगे हैं साफ़ सफाई में। और फिर उसके बाद मम्मी डैडी अभी लिस्ट बना रहे हैं क्योंकि राशन ख़त्म है, तो हम राशन रूशन लेके घर पे डालते हैं। मैं अभी घर की सेटिंग तो होनी है, साथ साथ में ये लगेज जितना पड़ा सारा खोल खोल के वो सेट करना, बहुत काम है अभी। तो मम्मी रेस्ट कर करके करो वरना थक जाओगे। अभी तो 3 बड़े बैग हैं, 2 छोटे बैग हैं और घर का काम अलग। आज मैंने किचन और बाथरूम की है साफ सफाई। मिली संतुष्टि मिल गई आपको सफाइयां करने? नहीं अभी तो जैसे प्रॉपर तरह से करना हो तो नहीं हो, पर चलो आज एक धूप भी नहीं आज। अगर धूप होती ना तो हमारे को अच्छा हो जाता, हम थोड़े गद्दे गुद्दे कंबल कुंबल ना धूप लगा देते क्योंकि वही है थोड़ी सीलन सीलन सी स्मेल हो गई है। और वैसे तो आज हमने डैडी की आंखें भी चेक करवाने जाना था, पर जो जिन डॉक्टर को दिखाना वो अवेलेबल नहीं है, वो आएंगे ट्यूसडे को। तो अब ट्यूसडे या वेडनेसडे को जाएंगे डैडी की आंखों की चेकअप कराने के लिए और फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। वैसे मुझे लग रहा है इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। वहाँ के डॉक्टर ने जो था वो तो उन्होंने बताया था कि यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिस्ट हो गई है स्ट्रोक की वजह से, तो उस वजह से अब वो पता नहीं, मेडिकल नॉलेज तो मुझे भी नहीं ज़्यादा, पर शायद वो कुछ ब्लॉकेज होएगी कुछ, उसको क्लियर करेंगे किस तरह से, क्योंकि वो विजन को इम्पैक्ट कर दिया उस वजह से कभी क्लियर दिखता है। जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया था, अगर धूप होती है तो सही रहता है विजन, और क्लाउडी और रेनी होता तो वही विजन शाम होते होते और फिर ख़राब हो जाता है। तो अभी हम बस फ्रेश फ्रूश होके हम घर का सामान लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे मिशन कंपाउंड क्योंकि घर पे राशन अभी भी नहीं है। तो आज हमने जाना है दूसरे मामू के घर पर। तो हमारा ऐसे ही रहता है, पहले जब मैं भी पिछली बार आया था तो मैं हमेशा किसी न किसी के घर पे था क्योंकि घर पे राशन ही नहीं है। तो ये जब तक राशन डालेंगे, फिर उसके बाद अभी किचन थोड़ा सेट किया है, वो भी मुझे पता भी मम्मी को संतुष्टि मिली नहीं होगी क्योंकि अभी काफ़ी बर्तन जो है वो गंदे पड़े हुए हैं। कुछ तो मैंने पिछली बार कर दिए थे साफ, पर वही है वो लिमिटेड से मैंने अपने यूजेज लाइक निकाले थे, और अभी भी हमने ब्रेकफास्ट करने लाइक बर्तन निकाले थे, तो लग जाएंगे भी 2-3 दिन सेट होने में। काम करते वक्त जब म्यूज़िक मिल जाए ना साथ साथ में तो 4 चांद लग जाते हैं। मुझे तो एटलीस्ट बड़ी शक्ति मिलती म्यूज़िक के साथ, बट ये स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं।
और ये मेरे शादी से पहले के स्पीकर हैं, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था तो तब के स्पीकर हैं। ऑलमोस्ट इसको 10 साल से ऊपर हो गए और सब, अब शायद इसका टाइम ख़त्म हो गया, इसने जवाब दे दिया, ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने FND के किसी ज़माने में मेरे ख्याल से 2000 या 2500 के लिए थे, बट वही अब ये ऑन ही नहीं हो रहा। स्विच तो यहाँ से ऑन है, एक बार वैसे मैं दिखा दूंगा एक इलेक्ट्रिशियन को, क्योंकि थोड़ा धूमधाम धूम हल्का सा है ना तो मज़ा आता है। दो बैग तो हमने निपटा दिए, इनको करें हम स्टोर रूम में प्लेस। तो मैं रख दूंगा, अभी रख दो, क्या रख दो स्टोर में, देखो जगह तो स्टोर में रख दो, आ जाएंगे फिट। खुला रहने दो उसको, खोल दो। चलो मैं आपको क्राइम सीन भी दिखा के आता हूँ जहाँ पे मर्डर हुआ था। ये दरवाजा खुला रखना चाहिए था, ये क्राइम सीन। स्मेल है ना बेबी, पंखा नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा। ये देखो ये उसे निशान पड़ गया, मेरे से निशान पड़ गया, शायद और इसी की स्मेल है अभी तक कमरे में। खिड़कियाँ खोल दो। वंस यू फिट इन योर डैड शूज तब आपको पता चलता है कि कितनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट मेरा ये मानना है कि जब आप अपने डैडी के शूज़ में फिट आ जाते हो तो आप उनके कपड़ों में भी फिट आ जाते हो। मैंने पहनी डैडी की निक्कर, मेरी निक्कर हो गई है गंदी। और पता नहीं जब से कोविड का टाइम गया ना, मुझे निक्कर जो है मेरी नेशनल ड्रेस बन चुकी है। मुझे निक्कर में जो कंफर्ट मिलता है ना, मेरा बस चले तो मेरा तो पिछले भी ऑफिस में मन करता था कि मैं निक्कर पहन के चल जाऊँ। और अब तो मेरा ये है कि ऊपर से मैं ऑफिस में जब मेरी कॉल कुल होती है मैं बड़ा अच्छे से होता हूँ, नीचे निक्कर। सो वो ये कि जूतों के साथ साथ अब मैं कपड़ों में भी फिट आने लगा हूँ। और बस अब हम रेडी होके अब निकलने लगे हैं। वो ये दो अटैची हमने कर दिए सेट, मतलब ऑलमोस्ट खाली कर दिए और उनको स्टोर में रख दिया। अब बाकी धीरे धीरे चलता रहेगा काम। सो अभी हम गाड़ी में तेल भराने के लिए आए हैं और डैडी को अभी उन्होंने पूछा कि कौन सा डीजल डलाना है एक्स्ट्रा कि कौन सा। तो अब तो एक्स्ट्रा हमने डलाना बंद कर दिया, पर जब हमने नई नई गाड़ी ली थी ऑल्टो तब हम कितना एक्स्ट्रा डलाते थे ना, जो एक्स्ट्रा वाला वो पेट्रोल पंप आता बोलते थे उससे एवरेज ज़्यादा मिलती है, इंजन क्वालिटी बेटर रहती है। पर अब इतना, हाँ पर उस वक्त तेल का वो प्राइस भी तो सस्ता था ना, अब तो इतना महंगा कि अब तो हम सोचते कि नॉर्मल डला लो वही बहुत है। यहाँ अब एक्स्ट्रा वाला तेल तो नहीं डलाते, पर जितनी महंगाई होगी है ना जो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना वो ज़रूर ले लाना चाहिए। मैं तो यहाँ से भी पेट्रोल पंप से जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ना अपने मोबाइल नंबर पे ऐड करवा लेता हूँ, उससे भी वो 300-400 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो कभी कभी काम आ जाते हैं सिलेंडर की पेमेंट के लिए या आपको तेल भराना हो तो। आप कराते हो नहीं देते, करा लिया करो, बड़ी महंगाई होगी गाड़ी। अब एक्स्ट्रा पावर वाला हम तेल नहीं डला सकते, पर एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा जब भी तेल डलाता हूँ स्पेसिफिकली इंडियन ऑयल से तो अपना नंबर देके उसमें पॉइंट्स ऐड करवा लेता हूँ। अमरूद लगे हुए हैं, कच्चे हैं मेरे अभी। सॉरी मामी, हमारे चक्कर में आपका मामू, गुड आफ्टरनून, लेट हो गया लंच को। भी कुछ दिन पहले राजमा चावल खाने का मन कर रहा था और आज हो गई है मेरी इच्छा पूरी। क्या चाहिए? चिकन, चिकन चिकन भी खाऊंगा मैं। एक तरफ से वेज थाली, एक तरफ से नॉन वेज थाली, मिक्स। क्या नाम है इसका? रेंगोकू। यार तू बहुत स्मार्ट लग रही है, तू उल्टी मार के तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। भाभी यहाँ पे आपने जो खलारा मचाया, सेल भी लगी है क्या कुछ? सेल है हैं? सेल तो नहीं लगी है, ये ले जाए, ये धोने वाले हैं सारे। मैंने सेल वाला बताओ सामान, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का। घास घास इतनी है ना, अभी भी बरसात ऐसे लग रहा है गई नहीं है। और देख लिया उसने डॉगी ने, कौन आ रहा मेरे घर पे।
ये आर्ची के लिए चॉकलेट आई है बाहर से, अभी नहीं खानी थोड़ी देर में। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें भी फ्लेवर है, स्कूबी स्नैक्स, पीनट बटर और मिल्क। हाँ रुक रुक रुक, हाँ ये देख, शहरी ने पहले मुंह में डाल ली पूरी की पूरी चॉकलेट। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं यार बताओ, कुत्तों की भी चॉकलेट आती है ना, वो फ्लेवर में मामू देखो दो तो फ्लेवर ही है इसमें, मिल्क और पीनट बटर। वाह पहले से इसको मामू पहले से लग गया पता कि चॉकलेट इसी की है, इसमें कुछ ना कुछ वैसे होता होगा। चॉकलेट आज जिंदगी में पहली बार चॉकलेट खाएगा, ले गया खा ले, खा इसको, ये खा ना, यहाँ रखने के लिए थोड़ी दी तेरे को, खा। चल चेरी टेस्ट करके देख क्या डिफरेंस है डेरी मिल्क और इसमें। ता कुछ मार को कह, मेरा तो मन कर रहा खुद मैं ही खा लूं। अब मैं इससे पकड़ रहा हूँ तब लड़ रहा, और जब मैं छोड़ जा फिर वो जान के तेरे पास आ रहा, तू निकाल फिर फेंक, फिर मैं उठा के ला के नहीं छोड़ नहीं रहा, मैं छोड़ दूंगा फिर लेके आएगा, फिर जल्द पकड़। वो क्या होता है इंसान जो होता है शोधा होता है, अभी हमने उस कुत्ते को देखा खाते हुए चॉकलेट तो हमने हम भी क्यों पीछे रहे, दियो यार एक पीस तो दियो तोड़ के, तोड़ के दे रही हूं तो अपन खुद मेहनत करके लेवल दिखाएंगे अपना, सबके लेवल सबके निकलेंगे, हम भी खा लेते हैं ऐसे। वो इधर ना किसी किसी को देख के मन कर जाता है, जैसे वो बच्चे वो क्या कहते हैं को देख के मन कर गया। हाँ मेरे को तो वो बच्चे सारा लाख जब खाते मेरा मन करता है मैं भी मुंह मार लूं उसमें, मैं तो सारा लाख भी बड़ा टेस्टी लगता। स्मार्ट बाजार में एक स्मार्ट इंसान है अनस्मार्ट इंसान के साथ। अरे तू कहाँ से स्मार्ट होगी, मेरे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, तुम्हारे पास क्या है? हम ये मत बोलना माँ है मेरे भी आगे है। उसने बोला भाई भाई वन गेट वन, ये वाला रख ले, ये रख ले, पर पूछना पड़ता है ना कहीं मुकर गया वो भी, हम बोले भाई वन गेट वन फ्री, वो बोलेगा भाई भाई वन। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ले ले थैली, आशीर्वाद की थैली देता हूँ उठाने के लिए, मैं तुझे आशीर्वाद की थैली देता हूँ उठाने के लिए। मम्मी को याद आया कबीर का दोहा, इसलिए बोले ब्रेकफास्ट में खाऊंगी मैं पोहा। यार ये अच्छा है। इसको पोज कर फिर, दिवाली की वो भी शुरू हो गया सामान, गिफ्ट ड्राई ड्राई फ्रूट 400 रुपए में क्या है, आमंड कैश्यू एंड रेजिन माने की बादाम काजू किशमिश किशमिश मिशमिश। ये जो है ये वाली आंटी यहाँ पे, यहाँ पे साइड में देख या, 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 या।
ऐसे अंकल का यहाँ पे प्लेन कुर्ता है, फिर आंटी ने गुस्सा किया, बोला नहीं चेंज करो, चेंज करके आओ, ये तो तुम ने तो दिवाली वाले दिवाले दिन दी तुमने। आंटी की साड़ी पहले से अच्छी थी ना, एक सबके कपड़े सेम है, सिर्फ अंकल का चेंज हो गया क्योंकि अंकल ने बड़ा ही प्लेन पहन लिया, फिर आंटी ने गुस्सा किया, त्योहार वाले दिन भी तुम ऐसे करते हो, फिर अंकल थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला पहन के अच्छे लग रहे इसमें, बहुत अच्छे लग रहे। मनाको का नया फ्लेवर पीरी पीरी, वो कौन से जो तुमने लिए, वो कहाँ से लिए? रेडी मारी भर गई है, अच्छे हैं ना, जिसमें हल्की सी मिर्च। मुझे भी नहीं पता था ये मिशेलिन स्टार शेफ इनको बोलते हैं, जो बड़े शेफ्स होते हैं। मैंने भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स में मूवी देखी उलझन, अच्छी मूवी है, तो मुझे पता चला कि जो फेमस फेमस शेफ होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलते हैं मिशेलिन स्टार शेफ। और मुझे भी पता लगा था जब मैंने सीरीज देखी थी एमिली इन पेरिस, तो उसने भी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको भी मतलब वो भी मिशेलिन शेफ बन रहा है। गुड, देखा टीवी कितना काम आता है कभी कभी, वरना हम मिशेलिन के सिर्फ टायर ही देख रहे होते हैं। सो हिलेरियस कंटेंट, प्लीज फॉलो कॉमिकल सैंडी, ताकि आप भी कभी ऐसे राशन लेने जाओ तो ऐसे गंदे गंदे जोक्स मार के सब लोगों को देखो कि ये कौन आया मेरे पे। और क्या पता इसी बहाने आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, कि फटाफट से बिलिंग भी फटाफट होगी, सब कुछ फटाफट होगा, सुनना नहीं पड़ेगा ना। तो बस हम अपने ब्लॉग को यही करते हैं ख़त्म, हमारी राशन की होगी है शॉपिंग डन, और अब बस घर जाके करते हैं राशन सेट, और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, देन टेक केयर, शबा खैर एंड अनुपम खैर, बाय बाय। Thank you.